हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोटेटी 5G के एक फीचर्स के बारे में, जो शायद ही आपको पता हो। और इस फीचर्स के बाद भाई साहब आप खुश हो जाओगे कि जो AI का फीचर इसमें दिया हुआ है इन्फिनिक्स नोटेटी 5G, कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको इस फीचर का पता ही नहीं होगा, और कई लोगों ने इस फीचर्स को देखा भी होगा लेकिन देखने के बाद भी उनको समझ नहीं आया होगा कि इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और जब मैं आज आपको उसका यूज बताऊंगा तो आप उसके बाद खुश हो जाओगे। जी हाँ, तो गाइस इस फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यह है फोलेक्स ऐप, ठीक है। अब ये क्या काम आती है, ये इन्फिनिक्स नोटेटी 5G में AI फीचर दिया हुआ है, ठीक है। ये AI का काम करता है। अब जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ गाइस, और देखिए मेरे यहाँ पर नेट ऑन है, पहले मैं नेट ऑन कर लेता हूँ अपना। अभी देखिए, जैसे कि मैं इस पर, ये गोला आ रहा है, इस पर टिक करूंगा तो देखिए, अब मैं इसमें कुछ भी बोलूंगा, देखिए ये क्या होगा, ये सर्चिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओपन यूट्यूब, तो देखिए यहाँ पर ओपन यूट्यूब कहा तो ओपन यूट्यूब हो गया। आप इसको जो भी कमांड देंगे ये यहाँ पर उसको ओपन कर देता है, ठीक है। इसको आपको ऑन करना होगा गाइस, लेकिन अभी जो फीचर्स है आपको अभी दिखाता हूं मैं। देखिए, आपको जाना पड़ेगा पहले सेटिंग्स में, और आप सेटिंग में जाके जब आप नीचे आएंगे, देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको फोलेक्स ऐप का, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका फोलेक्स वॉइस और फोलेक्स ट्रांसलेट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वॉइस वाले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, वॉइस वाले। अब देखिए मुझे ट्रांसलेट करना है, अभी देखते जाना आप, ठीक है। अब देखिए मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे कि फोलेक्स ट्रांसलेट जो कि मैंने ऑन किया हुआ है। देखिए सोशल ट्रांसलेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी ऐप को सपोर्ट करता है, ये देखिए। इससे क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी से इंग्लिश में चैटिंग कर रहे हैं, आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, तो आप क्या करेंगे, उसको हिंदी में बोलेंगे लेकिन वो इंग्लिश में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अगला बंदा आपको इंग्लिश में लिख रहा है आप उसको हिंदी में कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही सब कुछ कर देगा। अभी दिखाऊंगा आपको, ये देखिए जैसे आप फेस टू फेस लिखा हुआ है तो आप इसको पे क्लिक करेंगे फेस टू फेस। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यूज नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पर कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप हिंदी में बोलना चाहते हो तो हिंदी पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो इंग्लिश में करना चाहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी में क्लिक करूंगा, हेलो आप कैसे हैं, अब देखिए इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया इसको, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अब मैं अगर इसे इंग्लिश में करना चाहूँ, मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा। अब देखिए जैसे कि इंग्लिश में बोलूंगा, हेलो हाउ आर यू, देखो मैंने बोला हेलो हाउ आर यू तो यहाँ पर हिंदी में आ गया, नमस्ते आप कैसे। जैसे मैं हिंदी में यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर से देखिए, हेलो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए मैंने ये बोला और देखिए इसका इंग्लिश में आ गया नीचे, हेलो फ्रेंड्स इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, अब मैंने हिंदी में बोला था इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। तो ये फेस टू फेस वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आप इस तरीके से फेस टू फेस कर सकते हैं। देखो इमेज ट्रांसलेशन है, अब आपको क्या करना है, इसे यूज नाउ पे करना है, और देखिए यहाँ पर जो भी आपकी इमेज होगी उसका हिंदी में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये स्कैन कर लेगा उसको, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ इस तरीके से। तो आप फोटो को भी स्कैन करके इस तरीके से उसका हिंदी या इंग्लिश, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको चैट करके दिखाऊंगा कि अगर आप व्हाट्सएप पर किसी चैट करते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो कुछ भी लिखूंगा, जैसे कि मैं लिखूं, यो देखो मैंने यहाँ पर लिखा आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है क्योंकि जिस बंदे से मैं चैटिंग कर रहा हूँ वो इंग्लिश में, अगर उसे इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश में बातचीत चल रही है हमारी, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पर मैंने AI का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और देखिए आ गया, क्या आ गया, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसे अप्लाई कर दूंगा मैं, अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, देखिए ये आ गया, अब आप इसको भेज सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो गाइस ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है, जो ये फोलेक्स ऐप आपको दी हुई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गाइस इसका यूज कैसा करना है आपको, ठीक है। ये जो फीचर्स था ये काफी लोग कह रहे थे कि हमें बताओ इसके बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। आप इस तरीके से इसमें चैट कर सकते हैं, ठीक है, चैट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई से भी लैंग्वेज में आप प्रयोग कर सकते हैं, फ्रेंच, बहुत चीजें हैं इसमें, बहुत सारी लैंग्वेज है, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। गाइस हमारे सब्सक्राइबर हैं विजय कुमार यूपी से, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप उन्होंने हमारी वीडियो पर आगे कमेंट किया। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, ताकि मैं एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बना सकूं, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।